वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इस नॉलेज इज करेंसी नामक यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा 8th चैप्टर ऑफ NCERT पॉलिटिक्स क्लास 6 आवर पास्ट। ठीक है, हमारी जो लैंग्वेज होगी मीडियम वो इंग्लिश होगी, हिंदी प्लस इंग्लिश थोड़ा थोड़ा होगा। बेसिकली ये चैप्टर आपको कोई डिटेल नहीं देने वाला, लेकिन आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देगा, जिससे आप अगर पहली बार रीडिंग कर रहे तो उससे पहले अगर इस आप चैप्टर को मेरे ये लेक्चर को सुनेंगे तो आपको प्लस बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है अशोका द एम्परर ऑफ वेरी बिग किंगडम। एम्परर और किंग में दो डिफरेंस है। किंग होता है वो ऐसा राजा, कोई ऐसे नॉर्मल कह सकते हैं, लेकिन एम्परर यानी कि एक बड़ा किंगडम का राजा। ठीक है, आप सभी ने आजकल 8 नवंबर नोटबंदी के बारे में बहुत डिटेल चर्चा होती रहती है पॉलिटिक्स के कारण, जैसे कि गुजरात चुनाव में भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है। अब सबको पता है कि हमारी नोट पर जो कि आजकल क्लीन इंडिया का वो सूत्र दिया गया है, उसी तरह से एक ये आपको इमेज में दिख रहा है वैसे लायन, 3 लायन का एक स्टैचू भी उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसको हमारी नोट्स करेंसी में दिया गया है। अब वो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है वो आज हम पढ़ेंगे, वो अशोकार से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो है 3 लायन वाला चित्र वो स्टोन कार्व किया गया, यानी कि पत्थर पर उसको खुदा गया है और उसको एक पिलर के ऊपर टॉप ऑफ द पिलर रखा गया है और वो सारनाथ में आया है। ठीक है, सारनाथ यूपी, जहाँ भगवान बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था। अशोका जो है वो अपने इंस्ट्रक्शन रूल्स या फिर कोई भी टीचिंग्स उसको इंस्क्राइब करता था ये पिलर्स या फिर कोई भी रॉक सरफेसिस के ऊपर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अशोका का जो किंगडम था उसको एम्पायर क्यों कहा जाता था। जैसे कि आप सभी को पता है कि डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स हमारे देश में जैसे एक मुद्दा बन चुका है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम से कोई अगर राजा का चुनाव होता है तो अलग बात है, लेकिन अगर एक ही फैमिली के दादा परदादा बेटा पापा सभी लोग एक ही गद्दी पर आएंगे बारी बारी से तो डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य 2300 साल पहले उसने इस एम्पायर की शुरुआत की थी, अशोका के दादाजी थे। ठीक है, उसके बेटे थे बिंदुसार और उसके बेटे थे अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे, वो उनका नाम था चाणक्य जी, उसे कौटिल्य भी कहा जाता था। उनके जो भी रूल्स आइडियाज़ वो भी एक बुक में दिए गए हैं, अर्थशास्त्र उनकी बुक है जिसे हम इंग्लिश में इकोनॉमिक कह सकते हैं। उनके विचार आज भी हमारे राजनीति में बहुत काम आ सकते हैं, उतने इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इंस्क्रिप्शन या फिर कोई भी स्टोन कार्विंग्स वहाँ से हम बिट बाय बिट हिस्ट्री को रिकनेक्ट कर सकते हैं, तो अशोका के जो भी एडिक्ट्स थे उनके लोकेशंस और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी 2300 साल पहले, उसके लोकेशन यहाँ पर आपको मैप में दिखाए जा रहे हैं। बेसिकली नाम 3 इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी उस टाइम की, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला जो था वो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया का गेटवेज था। सिमिलरली उज्जैन जो था नॉर्थ से हमारे इंडिया से साउथ में जाने के लिए उसके बीच में आता था। ठीक है, यहाँ पर मोस्टली 3 टाइप के लोग रहते थे, मर्चेंट्स या फिर क्राफ्ट पर्सन्स या फिर ऑफिशियल्स या राजा रजवाड़े जो रहते थे वो लोग थे, और फार्मर्स हर्डर्स वो लोग दूसरे एरियाज़ में। भारत इतना बड़ा है कि कोई 3 सिटी बेस में उसको बंधित नहीं रख सकते, और काफ़ी जगह पे अलग अलग लोग रहते थे। ठीक है, फॉरेस्ट जो सेंट्रल एरियाज था हमारा इंडिया का, वहाँ पर गैदरर्स और हंटर्स भी रहा करते थे। सभी की भाषाएँ अलग थी, सबका खाना पीना अलग था, क्लोथ्स भी अलग अलग पहनते थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि एम्पायर वर्सेस किंगडम, उनमें जो डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। एम्पायर में एम्परर राज करेगा, किंगडम को किंग कहेंगे। एम्पायर को इतना बड़ा राज्य होने की वजह से रिसोर्सेस की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी इन कंपेयर टू किंगडम। सिमिलरली वहाँ पर एरिया बड़ा रहेगा, इसीलिए उनको आर्मीज भी बड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ देयर रीजन इन कंपेयर विथ किंगडम। और नंबर ऑफ ऑफिशियल्स भी ज़्यादा रहेगा अगर एरिया ज़्यादा रहेगा। एक गुजरात राज्य में और दिल्ली या फिर गोवा को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में वर्किंग जो इंसान होंगे वो डिफरेंट रहेंगे। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा टॉपिक है रूलिंग द एम्पायर, हाउ दे आर रूलिंग एनी पर्टिकुलर रीजन और टोटल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अशोका का एरिया बहुत बड़ा था, जैसे कि हमने बताया कि पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन जो कि एक नॉर्थ से लेके सॉरी वेस्ट से लेके ईस्ट तक उसका नॉर्थ में पूरा साम्राज्य बना हुआ था। हिमालय की जैसी लाइन खींची जाती है उसी तरह से। ठीक है,
एरिया वाइज अलग अलग डिफरेंट होते थे। जैसे कि पाटलिपुत्र वो डायरेक्ट अंडर एम्परर में आता था, वहाँ से ऑफिशियल कलेक्ट करते थे टैक्सेस और वो सब। अगर उन्होंने रूल्स को डिसओबे या फिर कुछ रूल्स का ब्रेक किया, उनको कुछ ऐसा करप्ट लगे तो उनको पनिश्ड भी किया जाता था, ठीक है। उनको सैलरीज दी जाती थी और उनके ऊपर खास पाइज यानी कि जासूस के द्वारा निगरानी रखी जाती थी, और इन सब के ऊपर हमारे एम्परर राजा साहेब सबको सुपरवाइज्ड करते थे। अदर एरियाज थे तक्षशिला एंड उज्जैन, जो कि डायरेक्टली कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, बट यहाँ पर अलग अलग ऑफिशियल्स तो रखे ही होंगे। रॉयल प्रिंसेस जो थे वो एज अ गवर्नर भी वहाँ पर जाते थे और इन बातों को निश्चिंत करते थे कि कस्टम्स और रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। अब हमें पता है कि तक्षशिला और पाटलिपुत्र के बीच में बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत डिस्टेंस है, इनके बीच में नदियाँ आएगी, रोड आएंगी, और मोस्टली राजा लोग इन रोड्स और नदियों को एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे। वहाँ से वो लोग ट्रिब्यूट या फिर टैक्स लेते थे। ट्रिब्यूट मतलब टैक्स यानी फिक्स है कि हर महीने इतना देने का। लेकिन ट्रिब्यूट में वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स मिलती है, कोई जब उनकी इच्छा पड़ेगी पीपल्स की तब वो उन राजा को ट्रिब्यूट एज अ गिफ्ट देंगे। अर्थशास्त्र ने कहा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट एरियाज वहाँ से ब्लैंकेट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूट था। अर्थशास्त्र यानी हमारे कौटिल्य साहब चाणक्य जी के बुक में कहा गया है कि नॉर्थ वेस्ट से ब्लैंकेट इम्पोर्टेंट सोर्सेस था और साउथ इंडिया से सिल्वर और गोल्ड स्टोन पत्थर्स आदि इत्यादि चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। बेसिकली ये ऊपर ऊपर चली बात है, अंदर अंदर डीप में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और मौर्यन एम्पायर को फॉरेस्ट एरियाज में से कौन सी चीज़ें मिलती होगी आप गेस करें? तो अगर हम देखें तो फॉरेस्ट में से टिम्बर, हनी यानी कि मध, शहद, एलिफेंट फॉर आर्मी, वैक्स आदि इत्यादि चीज़ें मिलती थी, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल की विदेश नीति में जैसे एम्बेसडर या फिर फॉरेन मिनिस्टर रखे जाते हैं, उसी तरह से ग्रीक में से वेस्ट एशिया राजा थे सेलेकस निकेटर, वहाँ से एक एम्बेसडर आया था मेगास्थीन्स चंद्रगुप्त राजा के कोर्ट में, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस उन्होंने ऐसे बताया है कि जब भी राजा पब्लिक विजिट पर जाया करते थे तो एक बड़ा रॉयल फंक्शन जैसा होता था। उनके साथ गार्ड्स होते थे, हाथी घोड़े सजाकर डेकोरेटेड करके साथ में चलते थे, घोड़े होते थे, ठीक है। उनको एक गोल्डन पालखी उनके ऊपर बिठाया जाता था, साथ साथ में बड़े बड़े ट्रीज भी ले जाते थे जैसे कि नेचुरल एनवायरनमेंट दिखे, और उसके ऊपर बर्ड्स घूमते रहते थे, इन राजा के सर के ऊपर ऐसे गोल गोल पोपट घूमते रहते थे। यानी एक आलीशान चित्रण उन्होंने बताया, ये इसमें कितनी रियलिटी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका एक अकाउंट है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और राजा जो थे उसको खाने के पहले सेवक जो होते थे वो टेस्ट करते थे, फिर राजा को दिया जाता था। क्यों? क्योंकि अगर किसी दुश्मन ने उसमें जहर मिला दिया या फिर राजा को मारने की कोशिश की तो उससे बचने के लिए, ठीक है। सिमिलरली वुमन जो होती थी उससे आर्म यानी कि हथियार के साथ वुमन भी उसकी प्रोटेक्शन में रहती थी। राजा आपको बताया कि शौकीन होते थे सब अप्सरा प्रिंसेस वो सब के, ठीक है। और स्लीप उनका जो सोने का वक्त होता था या फिर जगह होती थी वो भी डेली बेडरूम चेंज होते रहते थे। और वहाँ पर उन्होंने पाटलिपुत्र का बहुत ही अच्छा चित्रण किया है, जो कि एक बहुत आलीशान बड़ी सिटीज थी, उसके आसपास बड़ी बड़ी वॉल दीवारें थी, 570 टावर थे, 64 गेट्स थे, 2-3 माल के मकान थे, वुड का पैलेस था, उसके आजू बाजू स्टोन कार्विंग्स थे, अंदर स्टोन कार्विंग्स थे, आसपास बड़े बड़े गार्डन्स थे, उसमें पंखी पंछी वो सब रहते थे। यानी एक पूरा नेचुरली क्रिएटेड एनवायरनमेंट बनाया जाता था राजा के रहने के लिए, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें पाटलिपुत्र वर्सेस मोहनजोदारो तो हम देख सकते थे उसमें बहुत डिफरेंस रहेगा। वहाँ पर राजा को इतना महिमान उनका गुणगान नहीं किया गया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अशोका के थोड़ी डिटेल्स, ठीक है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि राजा अशोक को अपने मैसेजेस जो होते थे प्रजा के लिए वो इंस्क्राइब करते थे स्टोन कार्विंग्स ऐसे पिलार्स के ऊपर। उनकी जो भाषा होती थी प्रकृत लैंग्वेज होती थी और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में होती थी। राजा अशोक के साथ कलिंग का इंसिडेंट बहुत बार याद किया जाता था, क्योंकि राजा जब 8 साल से राजा बन गए थे उसके 8 साल बाद उन्होंने कलिंग को जीता था, कॉन्कर्ड किया था, उसमें युद्ध किया था। लेकिन जो कि यहाँ पर आपको मैप में दिखाया जाता है कि कोस्टल ओडिशा है उसको कलिंग का नाम दिया गया है आज के वक्त के मुताबिक, वहाँ पर वॉर हुआ था
राजा बीच राजाओं के बीच में बहुत सारा वायोलेंस हुआ था, ब्लड खून खराबा हुआ था और आखिर में राजा जीत भी जाते हैं अशोका, लेकिन वो गेव अप कर देते हैं और उनके बाद वो सोचते हैं कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। अब उनकी ये क्यों सोच हुई ये हमें देखने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। 8 साल के बाद वो जीते, लाखों इंसानों को कैप्चर किया, लाखों लोगों की जान गंवा गई, इससे उनको डीप पेन हो गया, सोरो उनका मन हताश हो गया, लाखों हजारों लोगों को जेल में बंद किया गया, साधु संत भी मारे गए, इस सब से उनका दिल में ऐसे दर्द होने लगा कि ये क्या हो गया है। इससे अच्छा तो जो कि हम अगर देखें कि अगर आपके घर के रिलेटिव्स कोई जिसका वॉर में मृत्यु हुआ तो आपके उससे बहुत दुख होगा, ठीक है। तो सैड हो गए, उन्होंने अब सोच लिया कि अब मैं युद्ध नहीं करेगा बल्कि अपना धर्म फॉलो करूँगा, ऑब्जर्व धम्मा, उनको प्रकृत में धम्मा बोलते हैं, ठीक है, संस्कृत में धर्म बोलते हैं, ठीक है। तो वही वो दूसरों को पास ऑन भी करेंगे, अदर दूसरे लोगों को टीच करेंगे, वो बताएंगे टू विन हार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लैंड, ठीक है, यही पास ऑन करेंगे अपने लड़कों से या फिर उनके उनके बच्चों से, और आगे आगे ये मैसेज पूरी जगह स्प्रेड करना था उनको। अब रियली में धर्म था क्या वो अब हम देखेंगे। यहाँ पर ना ही किसी भगवान या फिर गॉड गॉडेसेस की पूजा वूजा करनी थी, ना ही कोई सेक्रीफाइसेस करने थे, बट उन्होंने एक ड्यूटी किया था, इंस्ट्रक्ट किया था, ये इंस्पायर करेंगे टीचिंग्स अदर को, यानी कि जो भगवान बुद्ध की टीचिंग्स थी वहाँ से इंस्पायर होके ये पूरी अपनी ड्यूटी को इंस्ट्रक्ट किया था। सब इंस्क्रिप्शन पे उन्होंने देखा कि समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सबके धर्म अलग अलग है, जिसके मुताबिक प्रॉब्लम्स होती रहती है, कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, सेक्रीफाइसेस में एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था, जो स्लेव्स या फिर सर्वेंट्स होते थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, फैमिली के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी, पड़ोसी के साथ लड़ाई होती रहती थी, ये सब का सॉल्यूशन उन्हें करना था। इसलिए उन्होंने अपॉइंट किया धमा महामत्ता और वो प्लेस टू प्लेस जाते रहते थे, उनकी बातें पहुँचाते थे, मैसेज पहुँचाते थे, टीचिंग्स करते थे, सॉल्यूशंस देते थे, ठीक है। ये सब मैसेज उन्होंने रॉक और पिलार्स के ऊपर इंस्क्राइब किया, मैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि इजिप्ट, सीरिया, ग्रीस, श्रीलंका, दूसरे देशों तक भी पहुंचाया। और हमें पता भी है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया वहाँ पर बौद्ध धर्म का ज़्यादा वर्चस्व है, इसका कारण एक ही है, अशोका, ठीक है। बैटल ऑफ कलिंगा जैसे कि इससे आगे हुआ था, यहाँ पर इमेज साइड साइड में दिखाई जा रही है आपको। और उन्होंने साथ में सिर्फ ये टीचिंग्स को स्प्रेड ही नहीं किया बल्कि पब्लिक के सॉल्यूशंस भी लाए, रोड बनाए, कुएं खोदे, पानी पहुँचाया, रेस्ट हाउसेस बनाए साधु संत के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की। बट एक्चुअली में मैसेज उनका क्या था ये अब हमें देखना है। उन्होंने देखा कोई भी बीमार पड़ता है तो रिचुअल्स होते हैं, शादी होती तब रिचुअल्स होती है, जन्म होता है तब रिचुअल्स होता है, जर्नी शुरू करते कोई तब रिचुअल्स होता है, लेकिन उनका यह मानना था कि यह सब कुछ काम आने वाला नहीं है। इनके मुताबिक ये था कि इसके अलावा ऑब्जर्व कीजिए ग्रे जेंटलनेस, दूसरे के साथ प्यार से बर्ताव कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको ट्रीट विथ कंपेशन, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आए, गिफ्ट दीजिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने धर्म को प्रेज करना ये गलत बात है और दूसरे के धर्म को गाली देना ये भी गलत बात है, इससे हमारे धर्म का ही नाम खराब होगा, इससे अच्छा हम है कि धर्म का जो आइडिया उसका जो निचोड़ है वो अपने जिंदगी में उतारे, ठीक है। धर्मनी भावना ने समझो, गुजरातीमां कहेवाय छे गांडा ना बनो, फॉलो करवामां बधी वस्तुने ध्यान राखो। हमारे जो फर्स्ट पीएम थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये बताया था कि अशोक की जो बातें है वो आज के टाइम में भी बहुत लागू होती है। आज भी हमारे देश में ऐसा बहुत सारे धर्म के नाम पर कोई भी जातिवाद से, संप्रदायवाद से बहुत सारे लड़ाइयाँ होती रहती है, ठीक है। इनके जो भी मैसेजेस थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे। सो ये बेसिकली डिटेल्स थी इनके बारे में। अब हम देखेंगे अशोका जब राजा थे उसी टाइम करीबन चाइना, हमारा पड़ोसी देश है, बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन वहाँ पर भी एक राजा था और उसके बारे में थोड़ी उनकी ग्रेट चाइना वॉल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। 2400 साल पहले चाइना ने ग्रेट वॉल का काम शुरू किया था। करीबन 2000 साल तक ये काम एक राजा से दूसरे राजा, तीसरे राजा तक ऐसे बढ़ाया जाता था। इसका रीज़न था कि उनको नॉर्थन फ्रंटियर में, उसके चाइना के नॉर्थन फ्रंटियर से उनको प्रोटेक्ट करना था पास्टोरल पीपल्स से, और ये उनका शिफ्ट होता रहता था, इसलिए
वो टोटल लेंथ ये चाइना वॉल की करीबन 6400 किलोमीटर लंबी है। आप करीबन सोचिए कितना बड़ा एरिया है। स्टोन मेड है, ब्रिक मेड है, उसके ऊपर रोड भी बनाया गया जैसे कि यहाँ पर इमेजेस पे दिखाया जा रहा है। और उसके ऊपर वॉच टावर थे करीबन 100-200 मीटर के एरिया हर रास्ते में, ठीक है। और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे, पहाड़ियों पे, बहुत ही हार्ड वर्क, उनके लिए बहुत लेबर की आवश्यकता रही होगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि थोड़े अलग अलग सिल्क रूट है, फिर अशोका का जब साम्राज्य ख़त्म हुआ तो उसके बाद कौन कौन से नए राजा आए, उसके बारे में अब पढ़ेंगे। सिल्क रूट जो था वो करीबन चाइना से शुरू होकर इंडिया से लेकर पर्सिया तक, अरेबिया, इजिप्ट, सोमालिया, यूरोप, जावा तक बाय सी रूट, बाय लैंड रूट, दोनों रास्तों से उसके ऊपर आवागम होता था और ट्रेड होता था। चाइनीज़ कंट्रोल था, कुशन हमारे इंडियास का कंट्रोल था, सी रूट था, ईरान में पर्सिया वहाँ तक जाता था, रोमन कंट्रोल भी था, यहाँ इंडिया के पोर्ट्स से पेपर और स्पाइसेस का ट्रेड होता था। साउथ में एक जगह है पोडुका करके, रोमन नेम है अरिका मेडुका। ये सब चीज सिल्क रूट के बारे में हम थोड़ी डिटेल नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया जा रहा है, ठीक है। 2200 साल पहले जब मौर्यन शासन का कोलेप्स होना शुरू हुआ, दूसरे किंगडम भी राइजेज होने लगे नॉर्थ वेस्ट में। अब डिटेल्स हम नेक्स्ट पर देखेंगे, लेकिन ओवरव्यू देख रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ साइड में इंडो ग्रीक्स करीबन 100 साल तक वहाँ राज किया। उसके बाद फॉलो बाइड सेंट्रल एशियन साकाज, उन्होंने करीबन 500 साल तक शासन किया, जब आखिर में गुप्तास के सामने वो हार गए। सेंट्रल एशियन साकाज के बाद में कुशनास वो आए 2000 साल पहले। सो ये नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थन साइड का। अब हम देखेंगे नॉर्थ और सेंट्रल में। मौर्यन शासन में जो जनरल थे पुष्यामित्र सुंगा, उन्होंने वहाँ पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स शुरू की। उसके बाद दूसरी डायनेस्टी आई कानवा साइड में, साकाज का भी शासन था, वो उन्होंने सातवाहनाज राजास थे उनके साथ उनका कन्फ्लिक्ट रहता था, उनके साथ युद्ध होता था 2100 साल पहले। उसके बाद 400 साल तक सातवाहनाज का राज चला, और सातवाहनाज के राज के बाद वाकाटाकास का शासन शुरू हुआ, वो भी करीबन 1700 साल पहले। अब हम नेक्स्ट देखेंगे साउथ में तीन डायनेस्टीज थी, चोलास, चेरास और पांड्यास, करीबन 2200 साल से 1800 साल तक, ठीक है। और उसके बाद 1500 साल पहले दो इम्पोर्टेंट शासक हुए थे, पालवास और चालुक्यास, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहती थी। तो से ये ओवरव्यू ही है, आपको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने ही वाले हैं, सिर्फ आपको पता चले कि इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया। तो हमने देख लिया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, साकास, वेस्टर्न और साउथ में। अब हम देखेंगे कि ये सब जो था हमें कॉइन उनके टाइम पे, इंस्क्रिप्शन या फिर कोई भी सोर्सेस के बारे में वहाँ से पता चलता था। यही टाइम था कि जब चेंजेस होने लगे एग्रीकल्चर्स या फिर क्या बोलते हैं, क्राफ्ट में प्रोडक्शन होने लगा, ट्रेड में प्रोडक्शन होने लगा, और लैंड रूट नए नए एक्सप्लोर होने लगे, सी रूट एक्सप्लोर होने लगे, वेस्ट एशिया तक जाने के लिए, ईस्ट अफ्रीका तक जाने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया तक जाने के लिए, टेम्पल्स, टूपास आदि इत्यादि चीज़ें, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट शुरू हो गया, बुक लिखना शुरू हो गया, साइंटिफिक डिस्कवरीज जैसे आर्यभट्टा, वैसे कई बड़े बड़े नामचीन लोग आने लगे। ये सब करीबन सिमिलर टाइम जोन है, इसी के मुताबिक इन्हीं के बीच में होना होना शुरू हुआ था। तो आज हमने बहुत सारा बेसिक अशोका से लेकर थोड़ी बहुत डिटेल्स देख लिए, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट राजा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।